नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं वसंत कुंज वार्ड में चुनाव लड़ रहे अमरजीत छिल्लर जी के पास, जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। तो हम बात करेंगे अमरजीत छिल्लर जी से। तो अमरजीत जी, स्वागत आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार जी, और मैं दिल्ली क्राइम टाइम के सभी जो व्यूवर्स हैं उनको भी धन्यवाद करूंगा और हरनाम जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और क्योंकि आज सोशल मीडिया की बहुत ताकत है और सोशल मीडिया ही एक बहुत अच्छा प्रचार का माध्यम भी है, तो इस हरनाम जी की बदौलत मेरा प्रचार भी हो जाएगा। धन्यवाद। तो अमरजीत जी, आप किस प्रकार का माहौल देखते हैं अपने क्षेत्र में कि आम आदमी पार्टी क्या चुनाव जीत पाएगी, क्या आप जो है पार्टी का जो सपोर्ट है, जो मतदाता है, वो आपको वोट करेगा? बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूं, जिस भी अपने वार्ड में, जिस भी एरिया में जा रहा हूं, चाहे वो वसंत कुंज हो, चाहे मसूदपुर हो, चाहे बंधु कैंप हो, चाहे जय हिंद कैंप हो, चाहे रजोकरी गांव हो, मुझे अपार प्यार, जनसमूह और आशीर्वाद इतना मिल रहा है जिसको देखकर मैं गदगद हो जाता हूं और बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऊर्जावान फील करता हूं। और आगे से आगे मेरे कदम बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर वसंत कुंज वार्ड जीतकर हम अपने विधायक नरेश यादव जी और केजरीवाल जी के हाथ को मजबूत करेंगे। देखिए, हमने जो है पूरे क्षेत्र में सर्वे किया है। रजोकरी जो गांव है वो यादवों का गांव है और यादव जी यहां से विधायक भी हैं। लेकिन वहां अगर मैं कहूं कि ग्राम पंचायत की तरफ से एक उम्मीदवार को खड़ा किया गया है, उनका ये विरोध है गांव के लोगों का कि हमारे यहाँ 11,500 से 14-15 हजार वोट हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने हमारे गांव से कोई उम्मीदवार नहीं दिया, जबकि बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया। उन्होंने जगमोहन महलावत जी के विषय में कहा कि ये बाहर के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो कि आपके विधायक के भाई हैं, उनके विषय में भी ये कहा कि ये भी बाहर के उम्मीदवार हैं, हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार नहीं है। तो इन पार्टियों ने हमारी हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, इसके विरोध करते हुए उन्होंने उम्मीदवार अपना ग्राम पंचायत का खड़ा किया है, तो इससे आपके चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि मेरे चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा। और मैं तो सभी सम्मानित जनता से एक ही अपील करूंगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो भी भाई हमारे चुनाव लड़ रहे, हमारे सभी भाई है, हमारा सभी के साथ भाईचारा है, पार्टी चाहे दूसरी है, पर हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जहां तक रजोकरी गांव की बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पार्टी का फेस मैं हूं, अमरजीत, पर चुनाव तो नरेश यादव जी लड़ रहे, मेरा पूर्व वसंत कुंज में, और राजेश यादव है मेरे बड़े भाई, हमारा बहुत प्यार है। और मुझे रजोकरी में भी इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्रेम मिल रहा है, और बहुत ही शहीद डालचंद जी का गांव है, राव डालचंद जी का गांव है, और मुझे वहां पर इतना प्रेम, इतना प्यार मिल रहा है, मैं बाप को बयान नहीं कर सकता। इस जो आप बातें बोल रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, देखिए, हमने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया है, झुग्गी झोपड़ियों में अगर हम देखते हैं तो हमें आम आदमी का बहुमत दिखाई देता है, लेकिन जब हम गाँव की तरफ चलते हैं, आपका गाँव है मसूदपुर, आप मसूदपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अगर हम गांव की तरफ चलते हैं, आपके गांव की तरफ, तो यहां हमें एक टक्कर दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की। तो क्या आपका जो गांव है वो आपका साथ देगा और आपको जिताकर भेजेगा यहां से? 100%, बिल्कुल 100%। एक तरफा मसूदपुर से और वसंत कुंज से भी और रजोकरी से भी और बंधु कैंप, मतलब पूरे वार्ड से, पूरे वार्ड से इतना प्यार, इतना जन समर्थन मिल रहा है, मैं कह रहा हूं हमारी जीत निश्चित है। और मसूदपुर तो मेरा गांव है जी, मेरा घर है, मैं यहाँ का बच्चा हूँ, यहाँ खेला हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो यहाँ से तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। हमारे हरियाणवी में कहते ना कि मैं यहाँ तो मेरा घर है, यहाँ के लिए तो मैं 9 हाथ की सोड़ में सो रहा हूँ। अच्छा देखिए, आप क्षेत्र में जाते तो हैं, तो किस प्रकार की समस्याएं लोग आपको बताते हैं? अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो आपके सामने किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जिनको लगता है कि आपको निगम पार्षद बनने के बाद सबसे पहले वरीयता के क्रम में जो रखना पड़ेगा और उनको उनका समाधान करना पड़ेगा? सबसे पहला और सबसे बेसिक काम जो एमसीडी का होता है वो सफाई का है, सैनिटेशन का है।
नालियां साफ करने का है। पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में शासन में थी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कुछ शासन में थी, क्यों शासन तो उन्होंने किया ही नहीं। तो जो सबसे पहला काम जो मेरा होगा, जीतते ही जो सफाई का जो काम है, जो सफाई ढंग से व्यवस्था से नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं हो रही है, सफाई कर्मी हमारे पास है, सफाई में बिल्कुल बजट नहीं लगता, कुछ ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास सफाई कर्मी है, सब कुछ है, साधन है, पर कहीं ना कहीं उनको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। लैक ऑफ इंटेंट रही है, जो पुराने जो हमारे 15 साल से भाजपा ने जो शासन किया है, उनकी लैक ऑफ इंटेंट रही है। मैं क्षेत्र में जाता हूं, ये लोगों की ही कही हुई बातें हैं कि एमसीडी के कर्मचारी कहीं नहीं दिखाई देते। फिर वहीं पे एक दादाजी बैठे थे, बड़े ही सम्मानित बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई 5 कट्टे सीमेंट के अपने घर के बाहर डाल लो, एमसीडी वाले आ जाएंगे अपने आप ही, आपको एमसीडी वाले देखने हैं ना। एमसीडी की एक ऐसी इमेज हो गई है पूरी दिल्ली में, मेरे क्षेत्र में भी और पूरी दिल्ली में भी, अगर आपको एमसीडी का कोई भी कर्मचारी देखना है, कुछ भी अगर आप चाहते हो कि एमसीडी का कोई कर्मचारी है, वैसे तो सफाई के लिए जो उनका काम है उसके लिए एमसीडी के कर्मचारी नहीं दिखेंगे, अगर आप एमसीडी के कर्मचारियों को देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो अपने घर पे छोटा सा कोई एक आप रेलिंग लगाने के लिए भी छोटे से थोड़ा सा कोई काम शुरू कर दीजिए, तुरंत एमसीडी वाला आपके पास ब्लैकमेलिंग के लिए पहुंच जाएगा। तो ये जो मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का इतना प्यार इतना स्नेह मिल रहा है, जनता बदलाव मांग रही है इस बार एमसीडी में भी, और एमसीडी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, ठीक है, और एमसीडी में भी अभी इस बार केजरीवाल जी आएंगे। मैं तो ये कहूंगा हमारी वो सब कह रहे हैं डबल इंजन, मैं कहूंगा ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी हमारी, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, फिर उसके बाद हमारे लोकप्रिय विधायक नरेश यादव जी, फिर आपका पार्षद, तो हमारे पास तो 3 इंजन होगी थी, ट्रिपल इंजन की बनेगी हमारी सरकार, और ये 100% बनेगी, इस बात को लेकर मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। तो दोस्तों ये थे अमरजीत छिल्लर जी जिनसे हमने बात की, और अमरजीत छिल्लर जी ने जो क्षेत्र के विषय में बताया उससे लगता है कि इनकी क्षेत्र पर पूरी अच्छी तरह से पकड़ है और ये क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानते भी हैं, क्योंकि विधायक पहले से ही आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में है। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि डबल इंजन की सरकार जनता को वो देंगे, तो अमरजीत छिल्लर जी का कहना है कि वो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार जो है अपने क्षेत्र को देना चाहते हैं और इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पर फिर से लाना चाहते हैं, जो कि एक कड़ी थी, जो एक चेन थी वो पिछले कार्यकाल में इनका कहना है कि टूट गई थी, उसको फिर से ये इस कड़ी को जोड़ेंगे और इस क्षेत्र के विकास को दिन दूना और रात चौगुना आगे लेकर जाएंगे। तो इसी के साथ हम इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। मैं हरनाम सिंह मसूदपुर गांव से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।